अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है टेलर सीरीज़ एंड टेलर एक्सपेंशन, कि टेलर सीरीज़ क्या चीज़ होती है और टेलर थ्योरम क्या चीज़ होती है। ठीक है, टेलर सीरीज़ एंड टेलर थ्योरम। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, टेलर थ्योरम और चीज़ होती है और टेलर सीरीज़ और चीज़ होती है, लेकिन मैकलॉरिन सीरीज़ और मैकलॉरिन थ्योरम दोनों सेम होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आपने एक्सपेंशन करनी हो ना एट ज़ीरो पर, तो हम मैकलॉरिन सीरीज़ लगाते हैं। उसने क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, लेकिन उसने कहा ना एक्सपेंशन द सीरीज़ अबाउट एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो आपने मैकलॉरिन सीरीज़ ही लगाना है। लेकिन अगर अदर दैन ज़ीरो उसने एक्सपेंशन कहा गया हो ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एट एक्स इज़ इक्वल टू ए पर आप एक्सपेंड करें, एट एक्स इज इक्वल टू 60 पे एक्सपेंड करें, 61 पे एक्सपेंड करें, तो आपने क्या लगानी होती है, टेलर सीरीज ये लगानी होती है या टेलर थ्योरम लगाना होता है। ठीक है, इसके प्रूफ आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज आपके पास होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल होता है एफ ऑफ ए, एफ प्राइम ऑफ ए, एफ प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस ए, एफ डबल प्राइम ऑफ एट ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओवर टू विक्टोरियल। उसके बाद है एक्स ट्रिपल प्राइम ऑफ ए ओवर थ्री विक्टोरियल एक्स माइनस ए का क्यूब एंड सो ऑन। यानी कि एफ ऑफ ए, जैसे पिछले मैकलॉरिन सीरीज में एफ ऑफ ज़ीरो था, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव एट एफ एफ ऑफ एट ज़ीरो था और एक्स था और एक्स का फैक्टोरियल था। ठीक है, एक्स सिंगल एक्स था तो वन फैक्टोरियल था, तो स्केयर है तो टू का फैक्टोरियल, थ्री है तो थ्री का फैक्टोरियल। इसमें जस्ट ये क्या है, क्योंकि वहाँ पर एक्स क्या था आपके पास ज़ीरो, मैकलॉरिन सीरीज में हम क्या लेते थे एट एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो, तो इसमें क्या है, इसमें आपने लेना है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसलिए आपके पास ज़ीरो की जगह क्या आ जाएगा ए, एक्स माइनस ए एक्स, ये कहलाती है टेलर सीरीज। ठीक है, अब टेलर थ्योरम आप ऐसा इस तरह फाइंड आउट करते हैं, एक्स को हम रिप्लेस करें बाय एक्स प्लस ए से, और आपने ए को रिप्लेस करना है, एक्स को रिप्लेस करना है बाय ए से, ए को सॉरी ए को रिप्लेस करना है आपने एक्स से बाय एक्स, तो आपके पास टेलर थ्योरम निकल आएगा। ठीक है, हाँ जी, रिप्लेस करें एक्स को रिप्लेस करना एक्स प्लस ए से, एक्स प्लस एच, और ए को रिप्लेस करना है एक्स से, ए को रिप्लेस करना है एक्स से, और ए को रिप्लेस करना है एक्स से, और एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच से, तो ये आपके पास आ जाएगा एच माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास जो सीरीज निकलती है ना, वो आपके पास निकलती है ये एच आएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एट एक्स ओवर टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स ओवर थ्री फैक्टोरियल एच क्यूब एंड सो ऑन। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, टेलर थ्योरम कहलाता है। आपके सिलेबस में ना इसका प्रूफ नहीं है, तो इसलिए आपने इसके प्रूफ्स नहीं करना। तो ये है, अगर तो लिमिट दी गई हो ना, लिमिट दी गई हो तो ये वाला क्वेश्चन फार्मूला यूज़ करना है, अगर विदाउट लिमिट दी गई हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना। ये अगर लिमिट गिवन हो आपको, लिमिट इज़ गिवन, क्वेश्चन करवाऊंगी उससे आइडिया होगा आपका, और विदाउट लिमिट तो आपने टेलर थ्योरम क्वेश्चन करना। ठीक है, अब आपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन एग्जांपल को एग्जांपल्स आपने खुद कर लेनी, एग्जांपल नंबर 1, 2, वैसे आई थिंक वो आपके शॉर्ट्स चेक कर लीजिएगा आपके शॉर्ट सिलेबस में है या नहीं, 1, 2 और 3। मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराती हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास 3। आपने कॉज लेना है, प्रूव डैट आपने कॉज ऑफ एक्स प्लस एच, कॉस ऑफ एक्स माइनस एच, साइन ऑफ एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल, साइन ऑफ एक्स एंड सो ऑन, ये प्रूव करना। और आपने कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू, कॉस ऑफ 60 डिग्री पे आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स, आपके पास क्या दिया हुआ है, उसने कॉज ऑफ एक्स दिया है,
जो ऐसी फॉर्म ये हो वैसी ही फॉर्म होती है। जैसे ये आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू दी हुई है, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच। अगर x प्लस एज है तो x प्लस एज है, अगर सिंपल x है तो सिंपल आपने x है, तो एफ ऑफ एक्स इसके बराबर हो जाए कॉस x है। सिमिलरली जैसे मैकलॉरिन सीरीज में, इसमें भी आपके पास कितने डेरिवेटिव आने, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव, तो आपने इसके डेरिवेटिव निकाल लेने। तो आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो साइन का क्या होता है, प्लस कॉस। कॉस का डेरिवेटिव होता है फिर माइनस साइन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस साइन एक्स आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव ले लोगे, फोर्थ डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स एंड सोन, ये चलता जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव आपको। अब आपने एट, आपने किस पे वैल्यू निकालनी है, एट 60 पे वैल्यू आपने निकालनी है। देखो ये कॉस क्या है, 61 है, तो जब ये क्या है एक्स प्लस एच, तो इसको भी इसी तरह तोड़ोगे तो आप क्या लिखेंगे, कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है, 1 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता, तो कॉस 60 प्लस 1 डिग्री, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो इससे इम्प्लाई आपके पास हुआ कि एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 60 डिग्री, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिग्री। आप इसको किस में लेके जाना है, रेडियन में लेके जाना, तो 60 डिग्री रेडियन होता है पाई बाय 3। ठीक है, रेडियन में, रेडियन में वैल्यू होते है, और 1 डिग्री आपके पास होता है, आप इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करोगे ना, रेडियन में निकालने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में आने के लिए आपके पास वैल्यू इसकी आ जाती है 0.017455, ये वैल्यू होती है रेडियन में आने के लिए। तो आप क्या करेंगे, ये एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू आपके पास उसने क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दी हुई, तो आप इन सब की वैल्यू 60 डिग्री पे फाइंड आउट कर लेंगे। पहले एट ए पे वैल्यू निकालोगे 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉज ऑफ 60 डिग्री, तो ये होता है कॉज ऑफ पाई बाय 3, तो ये आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी, पाई बाय 3 की कॉज की वैल्यू आपके पास होती है 60 डिग्री, तो वो आपके पास हो जाएगी अंडर रूट 3/2 हो जाएगी वैल्यू। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव आप निकालोगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव की पहले वैल्यू निकालोगे, माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री पाई बाय 3, तो आपके पास ये होती है 1/2, 1/2 ये होती है, ये 60 डिग्री है ना आपके पास, तो ये होती है 1/2, ये 1/2 होती है, ये होती है, ये 1/2 वैल्यू होती है कॉस की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री 1/2, वो 1/2 होती है, और ये भी 1/2, ये अंडर रूट 3/2 होती है। ठीक है, और सिमिलरली जब अगेन आप इसकी वैल्यू निकालोगे सेकंड डेरिवेटिव के, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2। आप इसकी थर्ड वाले की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 3, पुट करना पाई बाय 3 पुट कर लो, पाई बाय 60, तो ये अंडर रूट 3/2। इसी तरह फोर्थ वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, फोर्थ वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी कॉस ऑफ पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगी, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू आपने इसमें, इस वाले फार्मूले में पुटिंग कर लेनी है। जब आप इसमें सब्सिट्यूट करोगे ये वाली वैल्यूज, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एफ ऑफ ए, एफ प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस ए, एफ डबल प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एक्स ट्रिपल प्राइम एट ए ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का क्यूब। एंड मैंने फोर्थ तक निकालनी है, आप फोर्थ तक ना निकालो, आप सिर्फ थर्ड तक ही निकालो, बहुत है, फोर्थ एक्स माइनस ए का 4 एंड सोन। ठीक, अब आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 पे वैल्यू कॉस की, 1/2 पे वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यूज, तो ये आपके पास आ जाए, आपके पास फर्स्ट में वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये कॉस 60 डिग्री जो होता है, अच्छा
ये कैलकुलेटर से पहले फाइंड आउट कीजिएगा, मुझे लगता है ये ना इसी तरह ही। अब आप इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे, जब आप इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे जैसे ये एग्जांपल में आपको दी हुई है, एग्जांपल सेम इसी मेथड से आपने क्वेश्चन कर लेना है। जैसे आपकी एग्जांपल आपको दी हुई है ये वाली, ठीक है, तो ये आप 31 साइन 31 डिग्री लेना है, तो आपने 31 को क्या करेंगे, 30 + 1 डिग्री, तो 30 ए हो जाएगा और 1 डिग्री आपका एच हो जाएगा, तो साइन ऑफ 30 डिग्री पाई बाय 6 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसी तरह आपने इसकी वैल्यूज इसमें सब्सिट्यूट करनी है, साइन की अगेन सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो 1 डिग्री वाली एज वाली वैल्यू आप उसमें पुटिंग कर देंगे। जैसे ये है, आप इसमें पुट करो 1/2, तो ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा अंडर रूट 3/2, तो √3/2, तो एक्स माइनस ए, ये आपके पास क्या है 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय 3 है। उसके बाद है सेकेंड डेरिवेटिव है −1/2/2, तो ये आ जाएगा x − π/3 का स्क्वायर। और उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव है आपके पास √3/2/3, और आपके पास आ जाए x − π/3 की का क्यूब। एंड फोर्थ डेरिवेटिव है 1/2/4, और x − π/3 का कि 4 एंड सो। ठीक, अब आपके पास आपने ये लिखा है, देखिए आपने वैल्यू निकालनी है 61 डिग्री पे, ठीक है, तो 61 डिग्री पे आपने वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, तो आपने उसको स्प्लिट इस तरह किया है, आपने x − π/6 लिया, π/3 लिया है, x − π/3, तो आपके पास 60 60 − 60, क्योंकि 61 − 60, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को आपने किस में लेके जाना है, रेडियन में लेके जाएगा 0.17455। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x − π/3, क्यों, क्योंकि x आपका टोटल, आपका x क्या है 61 डिग्री है ना, तो आपने वैल्यू किस में फाइंड आउट करनी है, बेसिकली आपने 61 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो x − π/3, तो 61 डिग्री − 60, तो ये 1 डिग्री, तो ये आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ x − π/3 है आपने उसमें वैल्यू क्या पढ़नी है, 0.01745, तो आपने यहाँ पे भी यही वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, हर जगह ये वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, तो आपके पास आंसर निकल आएगा ये वाला। ठीक है, जैसे ये वैल्यू उस एग्जाम्पल में उसे पुटिंग की हुई है 0.07 0.01745, तो आपने यहाँ पे भी यही वैल्यू है, तो सिंप्लीफाई करोगे, जैसे साइन ऑफ 31 की वैल्यू निकली है, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसमें आपके पास किसकी वैल्यू निकलेगी, कॉस ऑफ 60 61 डिग्री की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब आपका ये वाली वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, अब आपका ये वाला प्रूफ रहता है। ठीक है, तो ये वाला प्रूफ करने के लिए आपके आपने इस वैल्यू में सब्सिट्यूट करना है, टेलर थ्योरम में आपने फार्मूला पुट करना है इसमें, क्योंकि इसमें एज है, तो टेलर थ्योरम में आप फार्मूला पुट करोगे, तो टेलर थ्योरम में आपको पता है x + एज क्या होता है, f(x) + f′(x) एज, f″(x) a²/2, s³(h/3), h³ एंड सॉन। ठीक है, तो आपके पास कॉज ऑफ ये x है x + एज, तो कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है इसका, −sin(x)·h, और इसका सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या है, −cos(x)/2 a², इसका सेकेंड डेरिवेटिव होता है +/3 h³ एंड सॉन, ये हो जाएगा, ये डेरिवेटिव से निकालना। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपके दोनों टेलर, पहले जब एग्जैक्ट आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो तब टेलर सीरीज लगानी है, यानी कि जब लिमिट दी गई हो, कोई ना कोई पॉइंट दिया गया हो, तो आपने टेलर थ्योरम लगाना, टेलर सीरीज लगाना है, और टेलर थ्योरम आपने तब लगाना है जब उससे कोई लिमिट ना दी गई हो, तो f(x+h), तो ये यहाँ तो ये चीज़ पहले कर लेना, ये वाला सारा पार्ट बाद में कर लीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसी तरह सेम जो आपका क्वेश्चन नंबर, इसका अगला पार्ट है 2 की नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो उसने दिया हुआ है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो उसने आपको दिया हुआ है 2 की पावर x + h। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है
टू की एक्स वन वन प्लस एल एन टू एच एल एन टू का स्क्वायर ओ एच एल एन ओवर टू फैक्टोरियल ए स्क्वायर एल एन टू की थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल एच क्यूब एंड सो ऑन। ये दिया यानी एच पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर क्वेश्चन में एच आ रहा होगा तो आपने क्या लगाना है, टेलर थ्योरम लगाना है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच दिया हुआ है टू की पावर एक्स प्लस एच, तो इस दिस इम्प्लाइज डैट एफ ऑफ एक्स इसके बराबर आ गया टू की पावर एक्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो टू की एक्स एल एन टू, आपको पता है एल एन ए की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर एफ ऑफ एक्स दिया गया हो तो आपने इसका डेरिवेटिव, मैंने आपको बताया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, ए की एक्स एल एन टू, एल एन ई आता है। ठीक है, यानी सेम यही है, ये ए की जगह उसने क्या लिखा हुआ है टू, ए कॉन्स्टेंट है ना, टू की पावर वेरिएबल, तो ए की एक्स का डेरिवेटिव ए की एक्स आगे क्या आ जाएगा एल एन ए, तो यहाँ पे ए की जगह क्या दिया हुआ है टू, तो टू की पावर एक्स एल एन टू, तो आप सेकेंड डेरिवेटिव लोगे इसका तो क्या आ जाएगा, अगेन एल एन टू तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे टू के एक्स एल एन टू एक और ये एल एन टू अलग। आप थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टू की एक्स का एल एन टू, तो ये एक और एल एन टू और एल एन टू, क्लियर होगी बात, तो आपके पास सिमिलरली तो ये आ जाएगा टू के पास एल एन टू का स्क्वायर और ये आ जाएगा एल। ठीक है, अब उसने कोई लिमिट नहीं आपको बताई हुई, आप उसने यही कहा हुआ कि एट एक्स इक्वल टू किस पे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आपने जस्ट क्या करना है टेलर थ्योरम अप्लाई करना है, तो टेलर थ्योरम क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स एच एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ओवर टू फैक्टोरियल ए स्क्वायर एक्स ट्रिपल प्राइम ऑफ थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, आपने जस्ट इसमें वैल्यू सब, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है टू की पावर एक्स, ये भी क्या आ जाएगी टू की पावर एक्स एल एन टू, ये आ जाएगी टू की पावर एक्स एल एन टू का होल स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल ए स्क्वायर एल टू की पावर एक्स एल एन टू का थ्री क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल एच क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें से एल एन ये टू के एक्स कॉमन निकालोगे तो ये वन प्लस एल एन टू ये एल एन टू का स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ ऑफ एक्स ए स्क्वायर एल एन टू की पावर थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल एच क्यूब एंड सोन। तो इसी तरह ये आपका मेथड, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, आपकी एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेने हैं, क्लियर कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, ये ना हो कि कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।